नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रकाश शेख बराइका बुधवार साँझ डुवर्सको नगरकटामा तृणमूल कार्यकर्ताहरूले भव्य स्वागत जनाए। दिल्लीमा राज्यसभा सांसदको रूपमा शपथ ग्रहण गरेर बुधबार साँझ घर फर्किने क्रममा नवनिर्वाचित सांसदलाई नगरकटा हाइवेमा यहाँका तृणमूल कार्यकर्ताहरूले खदामाला लगाएर उनलाई स्वागत जनाएका हुन्। डुवर्सको चियाबारीको इतिहासमा पहिलो पल्ट एक श्रमिकका छोरो राज्यसभा सांसद निर्वाचित भएका हुन्। उल्लेखनीय छ, डुवर्सको अलिपुरद्वार सांसद क्षेत्रबाट नै भाजपाका लोकसभा सांसद तथा केन्द्रीय मन्त्री जन बारला रहेका छन् भने अहिले सोही क्षेत्रबाट तृणमूल काङ्ग्रेसद्वारा राज्यसभा सांसदको रूपमा प्रकाश शेख बराइक राज्यसभा सांसदको रूपमा चयन भएका छन्। उनी राज्यसभा सांसद भएकोमा क्षेत्रवासीहरू खुसी देखिएका छन्। अर्कोतिर तृणमूल काङ्ग्रेसले 2024 लोकसभा चुनाव अघि प्रकाश शेख बराइकलाई राज्यसभा सांसद बनाएर चियाबारी क्षेत्रका जनताको मन जित्ने प्रयास गरेको राजनीतिक परिवेशमा हल्ला पनि चलिरहेको छ। उक्त स्वागत कार्यक्रममा पश्चिम बंगाल तृणमूल सेकेन्डरी टिचर्स एसोसिएसन, महिला तृणमूल काङ्ग्रेस एवं युवा तृणमूल काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू सामेल थिए भने उनीहरूसँगै कार्यक्रममा नगरकटा तृणमूल ब्लक उपाध्यक्ष प्रेम छेत्री उर्फ काजी पाण्डे, जलपाइगढी जिल्ला परिषद सदस्य फिरोजिनुर पथुवारी, ब्लक तृणमूल युवा काङ्ग्रेस सभापति एवं पञ्चायत समिति सदस्य प्रवीण सिंह झा, चम्पागढी अञ्चल सभापति एवं ग्राम पञ्चायत प्रधान रमेश तिर्की लगायत अन्य उपस्थित थिए। प्रशासनिक पोस्ट पे हूँ, जिला लेवल में प्रशासनिक मीटिंग भी हुआ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लैंड डिपार्टमेंट की मैडम भी आई थी, जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार को लेकर भी मीटिंग हुआ। जमी का पट्टा मिलेगा कहाँ पे? जहाँ हम लोग का क्वार्टर है, जहाँ हम लोग बसवास करते हैं, वहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बोलता हूँ, जो भाइयों को बोलता हूँ, सरकार का जो चीज़ है, जो गवर्नमेंट क्या चाहती, उस एक बार उसको अच्छा से देखे परखे, उसके बाद में कोई भी मुद्दा पर एक जमी का पट्टा मिनिमम एज होने के बाद तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। रहेगा कोई मुद्दा? यही तो मुद्दा था। अदरवाइज पार्टी करने के लिए तो मुद्दा चाहिए। गवर्नमेंट पॉजिटिव वे में खड़ा है एवं माननीय मुख्यमंत्री ऑलरेडी 19 जनवरी 2023 को सुभाषिनी चावागान के मंच पे वक्तव्य पे बोले थे एवं डेढ़ महीना के एक से डेढ़ महीना के अंदर में अलीपुरद्वार जिला में करीबन 1,250 चाय श्रमिकों को जमी का पट्टा दिया गया एवं सेड गार्डन जो है, जो गार्डन रनिंग कंडीशन पे है, उन गार्डनों का मालिक एवं CCPA के साथ में मीटिंग करने के बाद में ये चीज़ को विस्तारित पूर्वक किया जा रहा है। तो ये तो अचीवमेंट हम लोगों के लिए। खाली अलीपुरद्वार जिला ना, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कुचबिहार, दार्जिलिंग रूरल एवं दिनाजपुर साउथ नॉर्थ के लिए जा जा दाबी दावा आछे इलाकार लोके, एखाने आदिवासी, राजवंशी, नेपाली, बोरो, टोटो, राभा, मेज, बेंगोली, बिहारी प्रत्येकटा जनसम्प्रदायके लोकेर बसबास आछे। आमि निजेई एकजन चायवालिटा छेले, निजेई एकजन चाय श्रमिक छेले। আমি এক সময় অঞ্চলের সভাপতি ছিলাম, তারপরে দিদি আমাকে ব্লকের নেতৃত্ব করেছে, জেলা কোঅর্ডিনেটর ছিলাম, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ছিলাম, আছি এখনও, এবং সাংসদ হিসাবে আমি 21 তারিখ শপথ নিয়েছি। এলাকার প্রত্যেকজন সাধারণ মানুষের চাহিদা এবং প্রত্যেকজন সাধারণ মানুষের যে পাওনা, এটা কীভাবে উঠাইতে লাগবে, এটা আমি আমাদের যে সিনিয়র লিডারশিপ আছে সবার সাথে কথা বলে আমি পার্লামেন্টে রাজ্যসভাতে উঠাবো এবং এক একটা পয়েন্টকে কেন্দ্রিত করে কিন্তু আমরা লড়াই করব। দেখেন, চায় বাগানের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট কিন্তু পাস করেছে, জমির পাট্টা। চায়ের প্রোডাকশন খালি আলি ওয়েস্ট বেঙ্গলে নেই, চায়ের প্রোডাকশন আসামে আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে, ত্রিপুরাতে আছে, তামিলনাড়ুতে আছে, কেরালাতে আছে। দেন অদার স্টেট ক্যানট ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট পাস করতেছে না। আমাদের স্টেট এবং আমাদের গভর্নমেন্ট তো জমির পাট্টা এবং জমির অধিকার দিতেছে, কিছু কিছু সামাজিক তন্ত্র ভর্মিত করার জন্য অনেক কিছু অ্যাপ্লিকেশন করতেছে, কিন্তু গভর্নমেন্টের কাছে বসুক, গভর্নমেন্ট কী চাচ্ছে এটা দেখলে ভালো হয়। আমরা যতটুকু প্রশাসনিক মিটিং দেখেছি, গভর্নমেন্ট কিন্তু পজিটিভ ওয়েতে আগাচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকে চা শ্রমিকের ডিমান্ড ছিল জমির পাট্টা এবং মিনিমাম ওয়েজ, এটা কিন্তু পূরণ হবে আগামী দিন। এবং জমির অধিকার যদি মানুষকে দেওয়া হয় তাহলে অবভিয়াসলি ল্যান্ড পাট্টার পরে সরকারি অনেক কিছু বেনিফিট কিন্তু ওরা পাবে। আমরাও দেখেন, আমার কোয়ার্টার নিজে লেবার লাইনে ছিল, আমি স্টাফ হয়ে একটা ক্লারিক্যাল পোস্টে আছি, ওইখানে আমার কোয়ার্টার। গভর্নমেন্ট এই পদ্ধতিতে আগাচ্ছে।